हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी इस नए गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं स्टिकमैन वॉरियर्स। तो गाइस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अभी वर्सेस की सीरीज स्टार्ट करने वाले, तो उसी सीरीज का ये पहला वीडियो है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो बहुत ही ओपी वाला होने वाला है। हाँ गाइस, तो आज की वीडियो में हम पहला वर्सेस कराने वाले हैं गोकू अल्ट्रा और एविल गोकू। एविल गोकू मीन्स हमारा गोकू ब्लैक, जो मतलब हमने देखा हुआ है ज़्यादातर लोगों ने कि गोकू ब्लैक कितना पावरफुल है, तो लास्ट में मतलब कितना ओवर पावर्ड मतलब वर्सेस होगा। तो इसकी तरफ से मतलब इस गेम में भी ना, ये गेम जो है इसमें भी गोकू ब्लैक इतना ओवर पावर्ड है, देख सकते हो। जैसे कि मेरे मतलब आधे आधे तक भी HP ला दी है गोकू ब्लैक ने। तो कोई ना गाइस, चलो अब हम भी अपना फुल देखकर फाइट करेंगे गोकू ब्लैक को टक्कर देने के लिए। और हाँ गाइस, बाय द वे गाइस, मैं ज़्यादा बोलता हूँ लेकिन इस बार बोल रहा हूँ गाइस, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर रहे हैं। और आप लाइक नहीं करते, देख लेते लेकिन लाइक नहीं करते, तो वीडियो को गाइस प्लीज़ लाइक कर देना। हो सके तो अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना, लेकिन कोई ना, आप लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस देख रहे हो, मैंने भी गोकू ब्लैक की जो है उसकी भी HP मैंने आधे तक तो ला ही दी है, और मेरी भी मतलब दोनों की तो सेम है। लेकिन हाँ, मैंने भी अपने फुल पावर के साथ गोकू पे अटैक करे जा रहा हूँ, लेकिन गोकू जो है वो भी बहुत पावरफुल है। देख रहे हो इतना मतलब इतना वो ओवर पावर्ड है। मैं मतलब आप खेलते हो ना, आप एक बार ट्राई करना गाइस कि मतलब एविल गोकू यानी कि जो ब्लैक गोकू है उसके साथ आप एक बार मैच करके फाइट ट्राई करके देखना कि मतलब वो कितना ओवर पावर्ड है। मीन्स आपका जो मोबाइल है ना वो भी हैंग है, ये आपका मतलब है। देख रहे हो यहाँ पे मेरा मोबाइल थोड़ा फ्रेम ड्रॉप हो गया था, तो मतलब इतना पावरफुल था। और मेरे पास देख रहे हो पहले इसमें मतलब शॉक था लिटरली कि इतने पावरफुल से मतलब वो मुझे हरा भी देगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, रिप्ले स्टार्ट किया। तो इस बार मैंने सोचा था मैं थोड़ा डिफेंसिव खेलूंगा, लेकिन हाँ गाइस मैं मतलब जितना फर्स्ट गेम प्ले मैंने सोचा था कि इतना इसके पावरफुल अटैक जो कहते हैं उसे वो मतलब इतने पावरफुल होंगे नहीं, लेकिन मैंने मतलब थोड़ा एक्टिव ध्यान वाल नहीं दिया था। मैंने सोचा इसको तो आराम से हरा दूंगा, लेकिन वो बहुत ही ओवर पावर्ड था। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो मतलब पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि जो वर्सेस होने वाले वो कोई नॉर्मल नहीं होने वाले, कि मैं जैसे 1v1 करूँगा तो आपको मतलब फाइनल रिजल्ट पता है कि मैं ही जीतूँगा, ऐसा नहीं है गाइस। कि मतलब जो होता है ना कि मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का है वीडियो। और मैंने मतलब अपोनेंट भी इतना तगड़ा वाला चुना है, और मीन्स आपको पता है वो कंप्यूटर तो, लेकिन कंप्यूटर भी देख रहे हो कितना ओवर पावर है। तो हाँ गाइस, तो वर्सेस अभी तक बहुत ही ओपी वाला जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस देखो, अभी मैं थोड़ा डिफेंसिव खेलने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मैं पंच मार रहा था, वैसे ब्लैक गोकू ने इतना तगड़े तरीके से मुझे मार दिया और मेरी आधी HP ला दी है। लेकिन हाँ, मैंने भी ब्लैक गोकू की HP उतनी ही करीबन कर दी है। लेकिन अब हम क्या करें, मतलब अब इतना मतलब वो थोड़ा मेरा हैंड शेक करने लग गया था खेलते समय, और कोई नहीं। लेकिन हाँ, इतना पावरफुल था। और देखो मैं मतलब सोच रहा था जल्दी से जल्दी उसकी HP कम करके उस पर अटैक करने के लिए देख रहा था, और मैं डिफेंसिव खेल रहा था। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो गया था थोड़ा। यहाँ पे देखो वो मुझे मारता है और उसको भी फुल अटैक करता है, और देखो लगातार मुझसे मतलब अटैक ही अटैक करे जाते, तो मैं भी मारता हूँ लेकिन उस पर मतलब कोई असर ही नहीं, ज़्यादा असर ही क्या बोलूँ। जैसे वो मार रहा है ना कि मतलब मैं मतलब अटैक कर रहा हूँ, वो तुरंत मुझ पर अटैक करे जा रहा है। यहाँ पे भी देखो वैसा ही हुआ था, उसकी भी HP मैंने मतलब बहुत कम ला दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मतलब कंटिन्यू अटैक करके मुझे हरा दिया। तो इस बार मैंने ठान लिया, पहले मतलब मैं अपग्रेड करने के लिए नहीं देखूँगा, पहले मैं उसे मतलब थोड़ा डैमेज दूंगा, मारूंगा, और फिर आराम से धीरे धीरे जैसा होगा वैसा करूँगा। तो यहाँ पे देखो फुल अटैक से अपने मारे जा रहे, लेकिन मैं भी थोड़ा डिफेंसिव खेल रहा था। डिफेंसिव खेल के यहाँ पे मैं मतलब हर मैं दो पिछले दो मैच में पहले ही मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे जाने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे ट्राई नहीं किया। मैं नॉर्मल गोकू के साथ ही ब्लैक गोकू को मार रहा था। मैंने सोचा कि अभी चलो वो जब अपग्रेड करेगा तो मैं भी अपग्रेड करूँगा। तो इस बार देखो मैं वो अपग्रेड ही करे जा रहा था, तो मैंने उस पर अटैक कर दिया और डिफेंस पे आ गया। तो इस बार एकदम सतर्क रह के गाइस खेलना। तो इस बार देखो वो पहले ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो गाइस हम भी अब ट्रांसफॉर्म तो होना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अटैक्स इतने पावरफुल होंगे ना। तो अब मैं क्या करूँ, अब थोड़ा एक दो पंचेस हम खा लेंगे, लेकिन अब हाँ मैं भी अटैक मतलब सुपर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे जाऊंगा ही ज़रूर। तो गाइस अब मैं भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे आ गया, दोनों की HP तो लगभग सेम ही है, लेकिन कोई ना, इस बार भी मैं एकदम डिफेंसिव पे डिफेंसिव ही खेल रहा था। डिफेंस मतलब डिफेंस करना जैसे कि होता है कि ज़रूरी होता है, मतलब आप सिर्फ अटैक नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर भी मैं डिफेंसिव था, और देखो इतना मतलब फुल पावर के साथ मतलब वो मतलब देखते हैं मुझे मार रहा है, क्या बताओ, वो कंप्यूटर है गाइस। हाँ मतलब ऐसा लगे ना कि वो कंप्यूटर लगातार मतलब मारे जा रहा है। और गाइस हाँ, ऐसे ही वीडियोस मतलब ऐसे ही वर्सेस सीरीज आगे भी आने वाली हैं, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अगर सब्सक्राइब किया तो बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन करना, अगर नहीं किया है तो फिर कर लेना।
तो गाइस देखो इस बार वो भी जल्दी से मतलब अपग्रेड अपनी पावर एचपी मतलब थोड़ा एनर्जी कंजर्व कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि मैं पहले अटैक करूंगा और डिफेंसिव कर लूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो मैं यहाँ पे थोड़ा मेरे से गलती हो गई, मैं मतलब डिफेंसिव कर रहा था उस पे थोड़ा अटैक, फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो उसी पे मेरे पास अटैक हो गया। तो एचपी देख रहे हो लिटरली मैंने एकदम थोड़ी बहुत ही कम कर दी है, लेकिन हाँ ब्लैक बुक देख लो कितने तेज़ी से मुझे मारे जा रहा है, तो गाइस इससे से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन हाँ मैंने कुछ पंचेस में उसको नॉकआउट कर दिया। तो बस गाइस वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।